हाँ जी बच्चों, कुछ फार्मूले हमने पढ़े थे ब्रेक इवन के, क्या वो याद है अच्छी तरह से? अच्छा, अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं, आपके नोट्स में वो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी आपको नोट्स मिल जाते हैं। सेल प्राइस है एक प्रोडक्ट की 120 रुपये पर यूनिट, सबको क्लियर नजर आ रहा है? ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 5,40,000 है और सी एस रेशो बच्चों है 50% और बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। बच्चों रिक्वायर्ड है आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट करें। ये नोट्स में सवाल है, अभी आपको नोट्स मिल जाते हैं तो परेशान ना होइएगा। मुझे ये बताएं कि आपको सारे फार्मूले आते हैं, कि आपने घर जाके उन फार्मूलों को जुबानी लिख के चेक किया था कि कितने फार्मूले आते हैं? तो बराए मेहरबानी आज घर जाके चेक कीजिए। वैसे कितने फार्मूले पढ़ चुके हैं हम? कोई 8-10 तो हो चुके हैं, ठीक है? हाँ यकीन माने आप पेपर पे लिखेंगे आपको तीसरा नहीं आना, वैसे पता है 8 पढ़े हैं और अभी लगता है कि आपको 8 आते हैं, आप तीसरा लिखोगे तो भूल जाएगा। कुछ ऐसे लेजेंड भी होंगे जो पूछेंगे सर ये टॉपिक कौन सा, पहला फार्मूला ही नहीं पता। तो बराए मेहरबानी अगर आप चाहते हो ये टॉपिक आपको समझ आए, तो आज जाके सबसे पहला काम आपने ये करना है, 8 फार्मूलों को पहले 5 मिनट के लिए गौर से देखो, समझो और फिर उसको बंद करके जुबानी एक पेपर पर लिख के देखो कितने आते हैं। जब तक 8 के 8 फार्मूले जुबानी ना लिख लो, याद रखो इस टॉपिक का पहला स्टेप आपका कवर नहीं होगा। पहला स्टेप ये है कि फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पे हो, फार्मूले फिंगर टिप्स पे होंगे ये टॉपिक बड़ा आसान है। अगर फार्मूले याद नहीं है ये टॉपिक सबसे मुश्किल टॉपिक। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, माशाल्लाह सवाल सॉल्व करने का तरीका बच्चों ये है, इधर सबको सवाल सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है बच्चों कि भाई आपने जो चीज रिक्वायर करनी है ना, जो चीज फाइंड करनी है उसका फार्मूला सोचो, वो सारे फार्मूला अपने सामने रखो। फिलहाल अभी आप इस काबिल नहीं हुए आप जुबानी बता सको, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था? आप जब सोचोगे ना, जो चीज फाइंड करनी है उसके बारे में सोचो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या आपको सवाल में बजटेड सेल्स गिवन है कि नहीं गिवन? और क्या चीज गिवन नहीं है बच्चों? ब्रेक इवन सेल्स गिवन नहीं है। अगर ब्रेक इवन सेल्स हमें पता चल जाए तो क्या हमारा ये सवाल हो सकता है? तो बच्चों फिर अब अगला सवाल ये है कि ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला क्या है? तो यहां पे हम करेंगे वर्किंग नंबर 1। तरीका समझ आ रहा है सवाल करने का? सबसे पहले जो चीज रिक्वायर है उसका फार्मूला सोचो, सिर्फ सोचना नहीं है उसको पेपर पे लिखना भी है। जब लिखोगे तो आपको अगला स्टेप खुद ही समझ आ जाएगा कि अगला काम आपने क्या करना है। अगला काम आपने क्या करना है? ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करनी है। तो फिर ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला सोचो, तो आपको ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला याद आएगा क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो। क्या हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है? गौर से देखो, 540। सी एस रेशो भी गिवन है, बोलो तो सही कितनी है?
50%। आंसर क्या आएगा? 1080000। बच्चों अगला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये रुपीज में है कि यूनिट्स में है? ये रुपीज में है। कैसे पता चला? जब सी एस रेशियो से डिवाइड करते हैं तो आंसर रुपीज में आता है। ये किस चीज में आया है? रुपीज में। लेकिन ऊपर जो हमने 10,000 लिखा है वो क्या चीज है? वो क्या है? तो बच्चों फिर यहां पे हम रुपीज नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या हल है इसका? हाँ जी, क्या इस ब्रेक इवन रुपीज को सेल प्राइस पे डिवाइड करके हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं? तो बच्चों आगे करेंगे हम ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट जो कि इन रुपीज है उसको सेल प्राइस पे डिवाइड कर दे। क्या ये पढ़ा हुआ है आपने? क्या ये याद आ रहा है? सेल प्राइस क्या है बच्चों? क्या ये सवाल में गिवन है? गौर से देख लो। हाँ जी बताएं। शाबाश, 120 करेंगे। बच्चों ये 9,000 यूनिट्स आंसर आएगा। तो बच्चों 10,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,000 यूनिट्स आंसर आएगा। ऐसी है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज फाइंड करें, क्या वो भी हो सकता था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज किस में से किस को माइनस करते? बच्चों ये 1080 तो रुपीज में हमें गिवन है। क्या चीज हमें गिवन नहीं है? बजटेड सेल रेवेन्यू गिवन नहीं है। लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं बच्चों? क्या ये 10,000 यूनिट्स को मैं सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूं तो बजटेड सेल इन रुपीज आ जाएगी? तो 1,20,000 मेरे रुपीज आएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। क्योंकि आई कैप ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में चाहिए कि रुपीज में चाहिए। मेरी मर्जी है, मैं यूनिट्स में निकालू वो भी ठीक है, रुपीज में निकालू वो भी ठीक है। आपकी क्लास में से आधे बच्चों ने अगर यूनिट्स में आंसर निकाला है वो ठीक है, और अगर बाकी आधे बच्चों ने रुपीज में आंसर निकाला है वो भी ठीक है। जब तक आई कैप स्पेसिफाई नहीं करेगा परेशान नहीं होना, दोनों आंसर ठीक है। क्या ये बात समझ आई? दोनों निकालने जरूरी नहीं है, दोनों निकालने जरूरी नहीं है। डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, टाइम सेव करेंगे। कोई और सवाल भी हमने करना है पेपर में, सिर्फ ये सवाल नहीं करना। स्टोरी समझ आ रही है? किसी बच्चे ने अगर यूनिट्स में आंसर निकाला है ठीक है, किसी बच्चे ने अगर रुपीज में आंसर निकाला है ठीक है, दोनों में से कोई एक कर ले बस काफी। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालनी है। तो बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बच्चों आपके पास बजटेड सेल्स हैं 10,000, ब्रेक इवन सेल्स हैं कितनी 9,000 यूनिट्स? क्या बजटेड सेल्स वंस अगेन गिवन है? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? वेरी गुड। और अगर आप में से कोई बच्चा यूनिट्स को यूज नहीं करता, रुपीज को यूज करे, तो क्या आंसर सेम आएगा? ट्राई कर लो। बजटेड सेल्स इन रुपीज कितनी थी? 1.2 मिलियन। क्या ये बात समझ आई है? माइनस ब्रेक इवन सेल्स 1080000 डिवाइडेड बाय 1.2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर चेक कर लो। क्या आंसर 10% आता है बच्चों?
चाहे यूनिट्स में हो चाहे रुपीज में हो, आंसर सेम आएगा। वो क्लियर है? अब बच्चों सवाल, अगला सवाल आपने करना है, एक मैंने करवाया है, अगला आपने करना है। कैलकुलेटर खोले, व्हाट्सएप के अंदर कैलकुलेटर भी आ गया। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे सुने बच्चों, सेल प्राइस है 120। ये आपने करना ध्यान से, वहां पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा, उसको टेंशन लो, उसमें सॉल्यूशन भी नहीं है। सेल प्राइस है 120, फिक्स कॉस्ट, चलो फिक्स कॉस्ट आपको पता है, पांच चालीस है। सी एस रेशो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% है, आपने निकालनी है बजटेड सेल्स। और थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करें तो बजटेड सेल्स का आंसर भी आपको पता है कितना है। पाकिस्तानी कौम है माशाल्लाह, जुगाड़ू कौम है, आंसर पता है, बस आंसर तक पहुंचना है। कोई ऐसा फार्मूला बनाए जो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की हिस्ट्री में किसी ने ना बनाया हो, आंसर आपको पता है। शाबाश, ट्राई करें। सेम टू सेम ऊपर वाला सवाल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट मैंने रिक्वायरमेंट चेंज की है। बच्चों अगर आई कैप इस तरह से कर दे सवाल तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तरीका वही बताया मैंने, जो चीज रिक्वायर करनी है उसका फार्मूला सोचे। अब आपको याद आएगा कि सर ने तो बजट सेल का फार्मूला लिखवाया ही नहीं कभी। वेरी गुड, नहीं लिखवाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई फार्मूला नहीं लिखवाया जिसमें बजट सेल आती हो? तो कोई ऐसा फार्मूला जो मैंने लिखवाया हो जिसमें बजट सेल आती हो, वो फार्मूला लिखो, लिखो शाबाश। फार्मूला क्या है वो? ये पढ़ा तेरे आपने, नोट्स तो पहले दिन भेज दिए। हानी खान साहब, बच्चों ये साथ साथ कैलकुलेशन करोगे टॉपिक बड़ा आसान है, यकीन मानो अगर ये सोचते हो ना घर जाके कर लेंगे वो कभी भी नहीं होगा। बजट सील 9000, मतलब पता भी है आंसर क्या है,
फिर भी 9000 आया, वाह, ऐसे लेजेंड चाहिए। आंसर क्या है? 10। लेकिन हम इंशाल्लाह आंसर को भी ऐसा बनाएंगे, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। जो पढ़ोगे तो एनजीओ सब तो सामने लिखा है होते हैं। बस आ रही 2-3-4 साल तक आ रही है। भाई मुर्शिद की बुक अंदर कर, अंदर कर। सारे मुर्शिद यानी बताओ भाई शाबाश। सबसे पहला मैंने तरीका आपको बताया कि जो चीज फाइंड करनी है सबसे पहले उसका फार्मूला सोचो। क्या फार्मूला? पता नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा फार्मूला पढ़ाया था जिसमें बजट सेल आई थी? वो फार्मूला तो सोचो ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला बच्चों, रेशो का, बजट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें क्वेश्चन में गिवन है? क्या बजट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है? लेट्स अज्यूम कि ये एक्स है। क्या ब्रेक इवन सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है? नो। क्या ब्रेक इवन सेल हम निकाल सकते हैं? क्या उसके लिए वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग नंबर 1 बनाएंगे यहाँ पे, ब्रेक इवन आंसर निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो, क्या आंसर आएगा? 9000। दो फिटे हाल थोड़े थे, क्या आंसर आएगा जी? 10,80,000। ये ब्रेक इवन रुपीज आया है कि यूनिट्स आया है? अगर बच्चों मैं ये रुपीज यहां पे लिखूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा। स्टोरी समझ आ रही? और अगर मैं रुपीज नहीं लिखना चाहता, मैं यूनिट्स लिखना चाहता हूं, तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का तरीका क्या है? 1080 को डिवाइड कर दें सेल प्राइस से तो 9000 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। ऊपर आंसर आया रुपीज, नीचे आंसर क्या आया? यूनिट्स। अगर मैं ये यूनिट्स यहां पे पुट कर दूं, अब मेरा जो एक्स का आंसर आएगा वो रुपीज में होगा कि यूनिट्स में होगा? क्या ये बात समझ आ गई? अब बच्चों जरा देखो, क्या ये 100 एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा? तो बच्चों ये 0.1x हो जाएगा। सोच लो, क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों 9000 अगर इधर आ जाए और 0.1x अगर इधर आ जाए तो बच्चों क्या x की वैल्यू निकल सकती है? सोच लो, क्या ये बहुत मुश्किल सवाल था? क्या 10% क्यों नहीं लगाया? क्या 10% वो उधर नहीं लगा हुआ? 100 अखा खोलो, अखा खोलो। क्या 10% वो 100 उधर नहीं लिखा हुआ? अच्छा कैलकुलेटर को नहीं पता, शाबाश। हाँ जी,
और समझ आ गई बात है? और बोलो तो सही। अगर यहाँ पे आप बच्चों MOS की जगह 0.1 लिखना चाहते हो तो यहां से 100 उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि 0.1 उसी वक्त हो सकता है जब 100 से आप उसको डिवाइड करोगे। तो 100 फार्मूले में 2 तो नहीं है, फार्मूले में 100 कितने थे? एक ही था। या तो उधर मल्टीप्लाई होगा या इधर क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ पे 100 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, जब तक आईकैप नहीं बताएगा हमारे पास ऑप्शन है। वो क्लियर हो गया? अब बच्चों एक और मौका दे रहा हूं, अब गड़बड़ ना करना। शिदाब अच्छा नहीं बच्चों, अब जरा ध्यान से, सवाल सेम है। सेल प्राइस गिवन है, बजटेड सेल्स भी गिवन है 10,000 यूनिट्स। क्या गिवन है? बजटेड सेल्स भी गिवन है। नया सवाल ही बना लेते हैं, आपने नकल मार लेनी। सेल प्राइस क्या है? 120। बजटेड सेल्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%। सी एस रेशो 50%। और आपसे कहा जा रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करो। हाँ जी, बड़ा मुश्किल सवाल है। ओए ओए ओए। अब ये नाना हुआ, बहुत अफसोस की बात है, एक ही सवाल इतने मौके। क्या आपको पता है फिक्स कॉस्ट क्या है? क्या इसके बावजूद अगर ना निकली तो दुर्फिड़े मुंह के मुस्तहिक है? वाह क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात। फिक्स कॉस्ट 5,40,000 है, एडवांस में बता रहा हूं, लेकिन खान साहब का यहां पे भी आंसर 9,000 आएगा। शाबाश शाबाश, हिम्मत नहीं हारनी, ट्राई ट्राई अगेन। फिक्स कॉस्ट का तो सर आपने फार्मूला नहीं लिखवाया। हर फार्मूले में फिक्स कॉस्ट है, अब कौन सा फार्मूला लगाए? अच्छा ब्रेक इवन भी दूं? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वाह क्या लेजेंड है माशाल्लाह। तो सब कुछ मैंने ही देना था तो तुझे ही देना है। अभी खान साहब क्या आप दुआएं देंगे अगर मैं आपको डाटा सारा दे दूं? पेपर दे दे तो तुसे डिग्री मांग ले, या किड्डी छोटी सोच है तेरी? क्या सर सीए की डिग्री दे दे, मैंने कल ठेला लगाना है, डिग्री चाहिए बस। या कितनी छोटी सोच, सिर्फ 6 महीने बाद की सोच सोची, 24 साल तक की सोच ना। हाँ जी, क्या हम जाग रहे हैं? पहला सवाल तो ये। वेरी गुड शाबाश, क्या ब्रेक इवन पॉइंट के बगैर ही हो गया? क्या निकल सकता है? क्या ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं सवाल में ना दूं तो सवाल हो सकता है?
क्या ये इम्पॉसिबल टू सॉल्व तो नहीं है? क्या कहा जा सकता है कि आई कैप का सवाल इनकम्प्लीट है, कि डाटा नहीं दिया हुआ? सर कैसे कर सकते हैं? शाबाश शाबाश, ट्राई करें ट्राई करें। यकीन माने फार्मूले अपने सामने रखें, फिलहाल मैं नहीं कहता आप मेरे को जुबानी करें, फार्मूले कम से कम अपने सामने रखें। ये तो गलत हो गया, ये वाला एक्चुअली मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला डिवाइड हुआ 0.1 का एक्स, ये अच्छा जी बच्चों, फिक्स कॉस्ट का फार्मूला हम लिखें। कितने फार्मूले पढ़े जिसमें फिक्स कॉस्ट आती है? क्या ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला याद है? क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशो। क्या हमें सीएस रेशो गिवन है? सिर्फ एक चीज हमें पता चल जाए हमारा सवाल हो सकता है। कौन सी? ब्रेक इवन सेल्स अगर पता चल जाए, ऐसे ही है। अब ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हम वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग नंबर वन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा? 10, या 10% लिखूं? अगर 100 उधर है तो यहाँ पे 10 आएगा, अगर यहाँ पे 10% लिखना है तो 100 वहां से उड़ा। बजटेड सेल्स क्या हमें पता है बच्चों? 10,000। क्या बजटेड सेल्स ऊपर भी पता है? 10,000 माइनस एक्स इंटू 100। क्या यहां से एक्स निकल सकता है बच्चों? क्या ये दो जीरो यहां से कट जाएंगे? ये दो जीरो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1,000 आ जाएगा। नहीं समझ बात। ये एक्स इधर, ये इधर, एक्स इज इक्वल टू 10,000 माइनस 1,000, 9,000 आंसर आ जाएगा बच्चों। ये यूनिट्स में आया के रुपीज में आया? यूनिट्स में आया, ऐसी। अब यहां पे जो हमने फार्मूला लिखा सीएस रेशो वाला, यहां पे हमें ब्रेक इवन कौन सा चाहिए? रुपीज वाला चाहिए। क्या हम रुपीस में आंसर निकाल सकते हैं? क्या हमें सेल प्राइस गिवन है 120? तो 9000 इनटू 120, 1080000। तो बच्चों 1080000 यहां पे लिखेंगे और ये 50% है। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100 है, सादा अल्फाज में 0.5 है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों? क्या ये बात समझ आ गई है? फिर सोच लो बच्चों, सोच समय के जवाब देना। इस फार्मूले, इस सवाल को आपने घर जाके 1, 2, 3, 4, 5 दफा करना। कितनी दफा करना? इस एक सवाल को 5 दफा कर लो, यकीन मानो ब्रेक इवन हर एंगल से आपको समझ आ रहे। कभी आपने फिक्स कॉस्ट को अननोन बनाना है, कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अननोन बनाना है, कभी बजटेड सेल्स को अननोन बनाना है, कभी सीएस रेशियो को अननोन बनाना है, कभी सेल प्राइस को अननोन बनाना है, और आपने कैलकुलेट करना है। कितने सवाल बन जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सवाल बन जाते हैं। हर एंगल से सवाल आपको समझ आ रहेगा।
और क्लियर है? यस। घर जाके कर लोगे? yes. सबसे पहला होमवर्क आपका ये है, ये सवाल 5 दफा करना है आपको। हाँ जी, अगर आपने 100 लगा लिखा है ना, तो ये 0.10 नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएगा। हाँ, ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50% लिखा है, 100 कहीं पे नजर आ रहा है, तो ये 0.5 है। अगर मैंने 50 ही लिखना है तो फिर ये 50 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100 लिखना है तो फिर परसेंटेज खत्म। अगर 100 नहीं लिखना तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? परसेंट, मतलब सादा अल्फाज में कैलकुलेटर में 0.5। अब इस फार्मूले में 100 चूंकि आपने यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे 10 आएगा, 0.1 नहीं आएगा। और स्टोरी समझ आ रही? ये बातें सारी क्यूएम में पड़ी हुई है, लेकिन बेड़ा गर्क हुआ पड़ा क्यूएम का। सारा 4 महीने आपने फाइनेंस पे लगाए, काश कभी चैप्टर नंबर 1 पे लगाए होते। पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग क्यूएम का चैप्टर नंबर 1 है। क्यूएम का चैप्टर नंबर 1 सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग, रेशोस, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शंस, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी स्टोरी है। अच्छा जी, बरन उधर करो ना, आंदी ना बैठ समझ नहीं आंदी। देखा फड़ेगा ना, फड़ेगा फड़ेगा। अच्छा जी बच्चों, अब आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, क्या सबके नोट्स मिल गए हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 1 बच्चों आप कर चुके हो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप कर चुके हो, अभी मिल जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी अभी मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 करवाई है आपको, गौर से डाटा देख लो। अभी हमने सिलेबस से कौन सा सवाल किया है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 को किया है डिस्कस। अब आ जाए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। क्या सेल्स एंड प्रोडक्शन 13,000 यूनिट है? ये यूनिट्स है कि रुपीज हैं? क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपए है? क्या फिक्स कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट है? ये थोड़ी सी हेरा फेरी हो रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। इससे पहले कभी फिक्स कॉस्ट हमने पर यूनिट पढ़ी थी? No. नहीं पढ़ी भाई। क्या 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा है? No. तो हमने इस No. बात में नहीं आना, हमें फिक्स कॉस्ट हमेशा किस फिगर में चाहिए? टोटल में। क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? किसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 13,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आई कैप ऐसी हेरा फेरी करे और सीधा कर लोगे डाटा, क्या आंसर आएगा? 5 2 4 5 2 4 0। क्या ये बात समझ आ गई है? टोटल फिक्स कॉस्ट क्लियर है बच्चों? अगर आईकैप हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे, उसी वक्त क्या करो? टोटल कॉस्ट फाइंड करो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल पे तौर पे कॉन्स्टेंट होती है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे क्या होगी? सेम होगी, लेकिन ये पर यूनिट कॉस्ट हर लेवल पे सेम है। ये सिर्फ इसी पे 40 है, हो सकता है अगर यूनिट कुछ दाएं बाएं हो तो 40 रुपए नहीं देगी। वेरिएबल कॉस्ट 30, फिक्स कॉस्ट 5,20,000, सी एस रेशो कितनी है जी? 60%। बच्चों इस पूरे डाटा को गौर से पढ़ लो, शेयर प्राइस आई कैप ने सवाल में नहीं दी। आई कैप ने क्वेश्चन में शेयर प्राइस नहीं। ये वही बात है जो मैं आपको कह रहा हूं, घर जाके करना है। ये डाटा दिया गया है, इसमें शेयर प्राइस अगर अननोन हो फाइंड कर लोगे? अगर ये 120 ना दिया होता, घर जाके करना है कि नहीं करना? लेकिन मसला ये है कि सेल प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। अब जरा जितने के अपने आपके पास इंटेलिजेंस है लगाओ,
जितने को फार्मूले सामने, फार्मूले सारे रख लो सामने और मुझे बताओ सेल प्राइस कैसे निकलेगी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पहले ब्रेक इवन फाइंड करेंगे। ब्रेक इवन कैसे फाइंड करेंगे? ये ब्रेक इवन से नहीं होगा, ब्रेक इवन से 70 नहीं आता। अल्लाह करे आज सेल प्राइस निकला है। हालांकि ये असल रिक्वायरमेंट नहीं है सवाल की, सवाल की असल रिक्वायरमेंट तो कुछ और है। बच्चों मैंने पहले दिन आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, उससे होना है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय तो सेल प्राइस आ जाएगी। पता नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहां से आ रहा है। एस पी फिर डी आई जी फिर आई जी फिर सी एम फिर पी एम जी क्या आंसर आया जी? 30.6। शाबाश शाबाश शाबाश। काश आपने कॉमन सेंस यूज की होती। इज करेक्ट आंसर। चलो जब आपको आंसर भी पता लग गया, सेल प्राइस का करेक्ट आंसर है 75। जुगाड़ लगाओ। गलत गलत वहाज मिया गलत। 75 आ गए सर। कैसे पता नहीं उसके कैलकुलेटर पे 75 लिखा, इक्वल प्रेस किया, आ गया। वाह हाँ जी। चलो बच्चों आओ बचपन की तरफ चले। क्या आपको याद है सबसे पहला दिन मैंने आपको पढ़ाया था वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो? याद करो। अगर आपको सीएस रेशो पता हो तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 40% होगी। सोचो याद है कुछ कुछ? अब वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का फार्मूला सोचो। क्या इसका फार्मूला ये होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40। क्या आपको सवाल में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है? तो क्या बच्चों सेल प्राइस निकल आएगी? सोचो 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 सोचो। क्या बच्चों ये आपको पढ़ाया हुआ है सारा? तो ये हालात चेक कर फार्मूले फार्मूले। जो बच्चा फार्मूलों को याद कर लेगा अच्छी तरह से उसके लिए टॉपिक कुछ भी नहीं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ये कई तरीकों से निकल सकता है लेकिन सबसे आसान यही था। क्या उससे भी 75 आता? तो फिर फायदा ही कोई नहीं। अगर तो 75 आ गया तो सही है। जो भी तरीका इस्तेमाल किया सीएस रेशियो से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। है?
ब्रेक इवन इन रुपीज आ गया, फिर ब्रेक इवन इन रुपीज आ गया, फिर क्या करेंगे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो ये तो आपने बताना ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या बच्चों सेल प्राइस आ गई है? तो पहला सवाल तो इस पूरे सवाल में ये था कि सेल प्राइस क्या है। असल सवाल तो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, असल सवाल अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही हम घबरा गए। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। करंट ईयर नेक्स्ट ईयर। अच्छा जी, अब जरा सवाल पढ़े बच्चों। क्या आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 30? क्या सेल प्राइस आपने फाइंड कर ली? और बोलो तो सही। क्या फिक्स कॉस्ट भी आपको पता है 5,20,000 है? ऐसे ही अब बच्चों को कह रहा है कि अगले साल ये वैल्यूज ऐसे नहीं रहेंगी। ऐसी है, पढ़ लो जरा। क्या वो कह रहा है बच्चों अगले साल सेल प्राइस में 10% इजाफा हो जाएगा? तो बच्चों क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 75 + 10% of 75? क्या आंसर आ सकता है बच्चों? आंसर निकालो। शाबाश, 82.5। बच्चों ये वाली हरकत जो करते हैं ना, ये वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नैले होते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे। असल जो पेपर में आपने करना है बच्चों, क्या मैं अगर आपको कहूं कि ऐसे आंसर निकालोगे तो आ जाएगा? ये 110% कहां से आया? क्या 75 का 10% लेके 75 में जमा भी करना था? तो वो 100% बेसिकली 75 का है, सेम आता है। और उससे भी आला किस्म के जो बच्चे होते हैं बच्चों, वो सिंपल ये करते हैं। वो क्या करते हैं? 1.1 चेक कर लो क्या आंसर सेम है। तो बच्चों कैलकुलेटर में सबसे ज्यादा टाइम मुझे बताइएगा किस चीज पे लगता है, सबसे कम टाइम किस चीज पे लगेगा? सबसे एंड पे। ऐसी है? तो बच्चों जो बच्चे ये वाली प्रैक्टिस पेपर में करेंगे उनका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। पास पता नहीं होगा ना, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे पेपर में ऐसी हरकतें करेंगे, पेपर तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन पेपर से बाहर निकल के वो यही कहेंगे कि यार 40 नंबर का सवाल रह गया, 35 नंबर का सवाल रह गया, 30 नंबर का सवाल, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। टाइम मैनेज, जो बच्चा पेपर से बाहर निकल के ये कहना कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसने कैसे कैलकुलेशन की। हर एक क्वेश्चन में, हर एक कैलकुलेशन में टाइम सेव होगा, तभी सारे सवाल पेपर में होंगे। तो बच्चों अभी तो आपका ये लेवल है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आपका लेवल बनेगा तो पेपर पास होगा। स्टोरी समझ आ गई है? ये चीज क्लियर कर लो। अब ये 1.1 कैसे आया, इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब बच्चों आगे सुनो। वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा हुआ, कितने परसेंट? 6%। तो बच्चों 30 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं? 1.6 दो फिटे है, देखा ना? अभी आप इस काबिल नहीं हुए, अभी आप इस काबिल नहीं हुए, अभी आप वो बिलो एवरेज वाले बच्चे ही हैं, तो वो ही याद रखो, ठीक है जी। अभी आप इसी काबिल है। क्या आंसर आएगा? 31.8 एग्जैक्ट। बच्चों क्या इसका शॉर्टकट ये हो सकता था 30 को 106% से मल्टीप्लाई करते?
क्या कैलकुलेटर में परसेंटेज वाला बटन हमें मिल जाएगा? क्या पेपर के दौरान भी मिल जाएगा? देख लो, ठीक है नहीं? लेकिन क्या बच्चों इससे आसान तरीका भी ये था कि ऐसे कर लेते? तो मसला ये है कि 1.06 आना चाहिए, लेकिन आप पेपर में 1.6 लिख रहे होंगे, जैसे कभी बता रहे हैं। स्टोरी समझ आ रही? तो क्या गलती हो रही है, ये क्लियर है? तो ये याद रखना है। तो बच्चों अगर 1.6 ही लिखना है शॉर्टकट करते करते, तो उससे बेहतर है कि ये वाला काम कर लो, कम से कम सही तो हो जाएगा, थोड़ा हो जाए लेकिन सही हो जाए, ठीक है नी? अच्छा जी, अब फिक्स कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है बच्चों, कितने परसेंट इजाफा हो रहा है? क्या 5,20,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बहुत मुश्किल काम है। ओए हो, हाँ जी, 624,000। क्या ये डाटा 100% समझ आ गया? अब पहली रिक्वायरमेंट पढ़े बच्चों, सवाल में क्या लिखी हुई है, क्या वो कह रहा है कि बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें करंट ईयर का? क्या ये आप निकाल सकते हो? बहुत मुश्किल सवाल है। ओए हो, धुआं निकल गया सवाल पढ़ के, है ना? बजटेड, BUDGETED, इतना कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ जी, वाह क्या बात, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है? मैंने नहीं पढ़ाया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सीधा मुकर ही गए, पढ़ाया ही नहीं सुना आपने। ओए होए होए, मैंने कहा नहीं था, कितना मुश्किल सवाल है ये, सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट तो नजर ही नहीं आ रही है, चूंकि ये नजर नहीं आ रही, निहाल सर ने पढ़ाया नहीं। क्या ये सीधा सीधा 45 नजर आ रहा है? क्या इसमें से इसको माइनस करना था? और थोड़ा दूर फिटे मुंह भर का मुंह, सवाल में सबसे ऊपर उसने क्या लिखा हुआ, सबसे ऊपर दूर फिटे मुंह कर, पहली लाइन पढ़ो, a company makes and sells a single product, the following data relates to the current year budget, ये जो भी डाटा है ये कौन सा डाटा है? बजट का डाटा है। तो कंट्रीब्यूशन जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? बजटेड कंट्रीब्यूशन निकलेगा। लेकिन मैंने पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया तो हम आए ही नहीं, आए थे तो याद रहा ही नहीं है, अल्लाह माफ करे, कैसे कैसे मसले हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर टू, टोटल उसने कहा है बजटेड प्रॉफिट, सर आपने प्रॉफिट तो पढ़ाया था, ये बजट प्रॉफिट क्या होता है ये नहीं पढ़ाया, वाह। हाँ जी, बजटेड प्रॉफिट निकालना है, लेकिन क्या बच्चों हमें यूनिट्स पता है सवाल में? 13,000 यूनिट हमें सवाल में गिवन है, यूनिट्स कितने गिवन है? 13,000 यूनिट बना के बेचे हैं, ये बात याद रखनी आपने बच्चों। इस टॉपिक का सबसे पहला फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, याद है कुछ? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किसके बराबर होता है? क्या वो देसी वाला सीधा साधा सा फार्मूला, क्या वो लगा के आंसर निकाल सकते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो बच्चों पे अगला सवाल, रेवेन्यू का फार्मूला क्या था? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फिक्स कॉस्ट है यूनिट सोल्ड। क्या आपको सवाल में सेल प्राइस नजर आ रही है? क्या यूनिट्स भी नजर आ रहे हैं? मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू निकल आएगा। क्लियर है? अगला काम, क्या बच्चों टोटल कॉस्ट का फार्मूला भी पढ़ा था? टोटल कॉस्ट का फार्मूला निकालो, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। क्या मल्टीप्लाई करके कॉस्ट टोटल निकाली जा सकती है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा?
प्रॉफिट शाबाश ट्राई करो 65,000 आ जाएगा क्या? ये बहुत मुश्किल सवाल था। अरे बस हो गई शाबाश, कमाई क्या की है सारा दिन की। अच्छा नहीं बच्चों, और यहां तक की बात समझ आ गई। अब सुनो, हमने एक शॉर्टकट भी पढ़ा था, वो तरीका तो डेफिनेट ठीक है ना, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, वो बिल्कुल सही है, इसमें गलती कोई नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप यही काम पेपर में करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा। क्या आपको याद है मैंने एक ऐसा फार्मूला लिखवाया था यूनिट्स का, जिसमें लिखवाया था फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस। क्या आपको यूनिट्स याद है सवाल में कितने हैं कि नहीं याद? 13,000 यूनिट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। क्या फिक्स कॉस्ट भी पता है 5,20,000? क्या नेट प्रॉफिट निकालना है? और सेल प्राइस है 75 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 30। क्या यहां से सीधा सीधा आंसर आ सकता था? क्या सेम आंसर आएगा? 65,000। अच्छा देसी तरीके से भी आता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट से भी आ जाता है। वो क्लियर है? अच्छा अब आगे चलते हैं बच्चों, अगले रिक्वायरमेंट पढ़ें। वो कहता है कि फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल। क्या वो बच्चों अब वो जंप करके राइट साइड पे आ गया, नेक्स्ट ईयर की बातें कर रहा है। क्या नेक्स्ट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, सेल प्राइस सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी? नो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स। फाइंड क्या करना है बच्चों? क्या ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट विल हैव टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव ए टोटल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द बजट प्रॉफिट इन करंट ईयर। क्या बच्चों अगले साल का प्रॉफिट हमें पता चल गया है 65,000 है? सोचो, वो कह रहा है अगले साल भी उतना प्रॉफिट हो जितना इस साल है, तो बताएं अगले साल कितने यूनिट सेल करेंगे? तो बच्चों यही फार्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सोच लो। यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों क्या फिक्स कॉस्ट अगले साल की नई कॉस्ट लेंगे? नेट प्रॉफिट 65,000, सेल प्राइस 82.5, वेरिएबल कॉस्ट 31.8। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 11,000। गलत आंसर। देखो बच्चों आप सही थे, जमा माइनस नहीं कर सके तो आपने क्या करना है? 13,500 पता नहीं, 13,500। ओ क्या ये समझ आ गया है बच्चों? क्या ये बहुत मुश्किल टॉपिक है? ये बहुत मुश्किल इसलिए है फार्मूले याद है। अगर आप फार्मूले घर जाके लिख लोगे जुबानी, यकीन मानो इससे आसान टॉपिक कोई नहीं। और ये वो टॉपिक है जो हमने क्यूएम में भी पढ़ा था। मुकर जो। एसी बंद करवा दे। सवाल लिखते वक्त जब 5 लिखते हैं ना तो पता नहीं क्या लिखा जाता है ना? दिमाग हो गए। सही है। ठीक है जी, ओके जी बच्चों, डन हो गया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अपलोड होगा मैं तकरीबन 5:30। बच्चे ने रोटी खवानी है।
हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं कोई इशू, कोई परेशानी, कोई चीज समझ ना आई हो, सी एस रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल एक्सप्लेन कर दें सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। और कोई बच्चा? देखो सी एस रेशियो, अगर मैं कहूँ किसी प्रोडक्ट की सेल प्राइस 10 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, तो क्या मुझे बता सकते हो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन होगा 4 रुपए बच्चों। अब सी एस रेशो कैसे निकलेगी? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए, सेल प्राइस है 10 रुपए, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 40%। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सी एस रेशो क्लियर है? अच्छा, और बच्चों वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो का फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, सेल है 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्या 60% आंसर आ जाएगा? बच्चों ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन ना लें। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट जो आज मैंने सवाल करवाया ना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ बच्चों। ये वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो क्लियर है? बच्चों कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो हो, क्या मैं कह सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस सीएस रेशियो? सोचो, अगर मुझे सीएस रेशियो पता हो तो क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो निकल सकती है? और अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो गिवन हो तो बच्चों मेरी सीएस रेशियो निकल सकती है? इस तरीके से ये तरीका है सवाल कैलकुलेट करने का। अब समझ आया? बच्चों इस सवाल में मुझे सीएस रेशियो गिवन थी 60%, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो 40% आई है 1 माइनस 60 करके। क्या ये बात समझ आई है? ओके जी बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।